अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हफीज़ा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चिकन कबाब, जो कि सोयों वाले बनेंगे। और मैंने पाव चिकन ली हुई है, इसमें एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चम्मच नमक, एक चम्मच ब्लैक मिर्च, सोया सॉस एक चम्मच, चिली सॉस अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। अब इसमें मैं ये हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं, दो चुटकी, एक अदद प्याज पहले चॉप फाइन की हुई है ये इसमें डालूंगी, थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं, दो चुटकी, एक अदद प्याज पहले चॉप फाइन की हुई है ये इसमें डालूंगी, और ये है हरा मसाला जो कि मैंने बताया था कि किस तरह से मैंने बनाया है। हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और करी पत्ते, इनको सुखा कर और उसको मैं पाउडर फॉर्म में लेके आई हूँ। इसकी भी मैं डालूँगी आधी चम्मच। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और जब तक हमारी चिकन गल रही है तब तक मैंने ये सोइयाँ हैं, मीठी सोइयाँ, इसको मैंने क्रश कर लिया है, और दो अदद अंडे उसको मैंने फेंक लिया। ये जो गल का मसाला है ये भी मैंने आपको बताया था, धनिया पाउडर है इसमें, धनिया पाउडर है, कलौंजी है, सूखी मेथी है, और इसमें हल्दी है, और पिसा हुआ धनिया है, और पिसा हुआ जीरा है। तो ये भी चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये इमली का पल मैंने निकाल के रखा हुआ है, अब इसकी मैं चार चम्मच डालूंगी। हमारा गल चुका है अच्छी तरह से, अब इसको हल्का हल्का मैश करके हम आलू में मिला देंगे, उसके कबाब बना देंगे। तो हम मैश करके आपको दिखाते हैं। अब ये मैंने बोटियाँ इसमें मिक्स कर दी है, थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ करके अपने थोड़ा सा फेरा उठा के, अंडे में डीप करके, फिर सोइयों में डीप करेंगे। इसको साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई हो चुकी हैं, जो ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी कल की तारीख में, और ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये भी मेरे चैनल पर मौजूद है, और ये है केचप। तो ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।